तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपनी नॉर्मल फोटो को कुछ स्टेप से एडिट। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग कोई अपनी फोटो कुछ ऐसा एडिट करना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप लोग के लिए इस वीडियो में कुछ सरप्राइज है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साइड के बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस में लाते रहता हूं, प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, फोटो एडिट करने के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप के पोज में एक फोटो क्लिक करवाना है अपनी, ठीक है। आप लोगों को कुछ स्टेप से मतलब हाथ करना है कि आप लोगों ने अम्ब्रेला पकड़े हो कुछ स्टेप से, ठीक है। तो आप लोग जैसे पोज अच्छा लगता है वैसे आप लोग को अपनी फोटो क्लिक करवा लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को एक बैकग्राउंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस बैकग्राउंड को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है और इसे यहाँ से कर लेना है शेयर अपने पिक्सार्ट ऐप में। तो फ्रेंड्स, पिक्सार्ट ऐप में आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में आने के बाद में यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेते हैं, तो ये रहा हमारा मॉडल। उसके बाद में आप लोग को इसके बैकग्राउंड इरेज कर लेना है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे इरेजर में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हार्डनेस को बढ़ाते हैं और यहाँ पे साइज को बढ़ा के और बैकग्राउंड को यहाँ पे जल्दी से इरेज कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे कर लेना है आप लोग को डन। और उसके बाद में आप लोग को अपने मॉडल को कुछ स्टेप्स ऐसे एडजस्ट कर लेना है, मतलब ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करने के बाद में आप लोग को यहाँ से जाना है अपने एडजस्टमेंट में, यहाँ पे एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा, यहाँ कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा मतलब कम कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाना है अपने यहाँ पे सैचुरेशन में, सैचुरेशन को कम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई यहाँ पे, तो कम कर लेते हैं हम उसे। और इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने हाईलाइट्स में और हाईलाइट्स को यहाँ पे बढ़ा लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे जाना है अपने शैडोज़ में, शैडोज़ को आप लोग को यहाँ पे कर लेना है कम, ठीक है। ऐसे कम करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने टेंप में, और टेंप में जाने के बाद में आप लोगों को इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है डन, ठीक है। डन करने के बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को सिंपली डन कर लेना है। उसके बाद आप लोग को एक पीएनजी मिल जाएगी, मतलब एक फोटो है, ठीक है, उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड फोटो में जाते हैं और एक अम्ब्रेला की आप लोग को एक फोटो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका आप लोग को ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो कुछ स्टेप से ऐसे करना है आप लोगों को। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज कर लेना है, यहाँ पे स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। तो कुछ स्टेप से आप लोग को ऐसे ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे फेस में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे रेज कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे इरेजर में जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हार्डनेस कम कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इरेजर में मतलब इरेज कर लेना है थोड़ा थोड़ा फेस में, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सिंपली डन कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाने ऐड फोटो में, और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को एक पीएनजी मिल जाएगी, उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। और कुछ स्टेप से इसे ऐड कर लेना है, यहाँ पे इसे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग अपने हाथों में ऐसे ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेज कर लेंगे। तो इरेजर में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हार्डनेस को कम कर लेते हैं हम लोग 10% कर लेते हैं फिर भी, ओके। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे साइज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐसे रेज कर लीजिएगा, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि अंदर के साइड में हमारे अम्ब्रेला के, ओके। तो कुछ स्टेप से आप लोग को रेज कर लेना है, यहाँ पे ऊपर की साइड से मतलब आप लोग रेज कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। कुछ स्टेप से आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा रहने दीजिएगा, ठीक है। और ऐसा कर लेना है आप लोग को, मतलब ऐसे जूम आउट करके देख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ब्रश का साइज कुछ स्टेप से हार्डनेस बढ़ा लेना है, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को ऐसे मतलब अप्लाई कर लेना है कुछ स्टेप से, ठीक है। ऐसे आप लोग को कर लेना है कुछ स्टेप से ऐसे कर लेना है रेज, ठीक है वो। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, ऐसे आप लोग को इरेजर में जाना है और हार्डनेस ऐसे ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐसे रेज कर लेना है, ओके। तो ऐसा मैंने यहाँ पे रेज कर लिया हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन। और डन करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे फिर से डन कर लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है आप लोग को बताता हूँ मैं। यहाँ पे जाना है आप लोग को अपने ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग को एक पीएनजी और मिल जाएगी, उसे आप लोग को ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, कुछ स्टेप से ऐसे ऐड कर लेना है पहले तो यहाँ पे। और ऐसे ऐड करने के बाद में आप लोगों को कुछ स्टेप से मतलब ऐसे बड़ा कर लीजिएगा पहले तो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए, और ऐसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ऐसे आप लोगों को हाथ में ऐसे ऐड कर लेना है अच्छे से, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इरेजर में जाना है, और इरेजर जाने के बाद में यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐसे रेज कर लेना है ऐसे, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अपने हाथों में भी इरेज कर लेना है। यहाँ पे हम लोग हार्डनेस कम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे इरेजर में जाना है आप लोग को, ठीक है। कुछ स्टेप से ऐसे आप लोग को इरेज कर लेना है यहाँ पे, ऐसे हाथों में आप लोग इरेज कर लीजिएगा,
और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोगों को क्या है ना कि आराम से बिल्कुल एडिट कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा देर से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी डन कर लेते हैं, कोई यहाँ पे ऐड कर लेना है ओके। तो ऐसा करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमारी फोटो अभी एडिट नहीं हुई है, आप लोग को क्या करना है यहाँ पे टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस यहाँ पे इसकी पूरी कम कर लीजिएगा ओके। और इसके बाद में आप लोग को एडिटर में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मतलब ब्रश का साइज कुछ स्टेप से ऐसे रख लेना है, और नीचे के साइड से थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लीजिएगा कुछ स्टेप से ठीक है। इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है नीचे के साइड से ओके। और उसके बाद यहाँ पे डन कर लीजिएगा। सैचुरेशन को आप लोग को यहाँ पे कम कर लेना है ओके, और ब्राइटनेस को बिल्कुल कम कर लीजिएगा बिल्कुल 100%। उसके बाद आप लोग कर लेना है यहाँ पे डन ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना अपने ऐड फोटो में, और एक पीएनजी और मिल जाएगी आप लोगों को। मतलब थोड़ा सा आप लोग को ना मतलब टाइम निकाल के आप लोग को फोटो एडिट करना है ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा समय चले जाएगा ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और इस टाइप से आप लोग को ऐसे फुल लगा लेना है अपनी पीएनजी को। और उसके बाद आप लोग को इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्क्रीन ठीक है। और यहाँ पे अपने फेस में आ रहा है, तो हम लोग फेस में और हमारे यहाँ पे भी आ रहा है, तो इरेज करना है जहाँ पे भी आप लोग को, तो इरेज कर लीजिएगा आप लोग, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ठीक है। कुछ ऐसे आप लोग यहाँ पे इरेज कर लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए, और उसके बाद यहाँ पे डन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन कर लेते हैं ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद आप लोग को फिर से अपने ऐड फोटो में जाना है, और इसी पीएनजी को फिर से आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड फिर से आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो सॉरी यहाँ पे मैंने ड्यूअल नहीं करा था उसको, तो यहाँ पे क्या है ना कि इसे ले लिया हूँ। और उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप से इसे जूम कर लीजिएगा ठीक है, और कुछ स्टेप से आप लोग इसे ऐड कर लीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया लगता है, मैंने करके देखा था तो बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे। तो स्टेप से आप लोग क्या है ना कि जो भी आप लोग को पार्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो स्टेप से आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है मुझे, यहाँ पे ही वाला ले लेते हैं ठीक है। तो कुछ स्टेप से ऐसे ऐड कर लेते हैं ठीक है। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, आप लोग को ऐसे इरेज कर लेना है जहाँ पे भी मतलब इरेज करना है आप लोगों को एक्स्ट्रा जहाँ पे भी आ रहा है। तो इस टाइप से आप लोग करोगे ना, तो मतलब ऐसा लगेगा कि कैमरा में आ रही है हमारी जो पी मतलब जो ड्रॉप्स हैं ठीक है। तो यहाँ पे डन कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है आप लोग देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया हमें हमारे यहाँ पे फोटो लग रही है। यहाँ पे हम लोग चले आते हैं अपने ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में आने के बाद अपनी फोटो को यहाँ पे सिंपली सेव कर लीजिएगा यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करके, और यहाँ पे सेव इमेज। तो यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो रही है, आप लोग छोटा सा कट भी लगा सकते हो। और उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक सरप्राइज देना चाहता था मैं, तो आप लोग को मतलब वीडियो के सामने भी बताया था। तो वो सरप्राइज ये है कि आप लोग मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, और एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी आप लोग को, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें एक गिव अवे है ठीक है, दिलीप भाई हमारे, तो उनका एक गिव अवे है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ बता दिया को ठीक है। तो यहाँ से आप लोग की अपनी फोटो सेव हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो फोटो है सेव हो चुकी है। इसके बाद आप लोग यहाँ से चले आने हैं अपनी लाइट रूम ऐप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी लाइट रूम ऐप में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो को ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी फोटो आ रही है, एक मिनट रुकी है। तो यहाँ पे हमारी फोटो आ चुकी है, इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे करना है। तो आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है आप लोग को। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग जाइएगा अपने यहाँ पे लाइट में मतलब लाइटिंग एडजस्टमेंट में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ एक्सपोजर आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। आप लोग बढ़ाना है तो आप लोग बढ़ा सकते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया हूँ ठीक है, कुछ स्टेप से। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्ट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट्स है, तो उसे हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे ओके। और उसके बाद यहाँ पे शैडोज़ है, तो शैडोज़ को हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने वाइट्स में, वाइट्स को बढ़ा लेना है, ब्लैक्स को कर लेना है यहाँ पे कम ओके। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने यहाँ पे साइकॉन में, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है मिक्स में। और मिक्स में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ऑरेंज का सैचुरेशन यहाँ पे कम कर लेना है, और उसके बाद लूमिनस को आप लोग बढ़ा सकते हो ठीक है। और ऐसा करने के बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ना अपने अकॉर्डिंग करना है ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू का सैचुरेशन थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं ठीक है, और यहाँ पे लूमिनस को बढ़ा देते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप लोग को देखते जाना है ठीक है। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन। डन करने के बाद इसका थोड़ा सा वाइब्रेंस है, तो इसे हम लोग क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं ठीक है, कुछ स्टेप से। और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं साइकॉन में, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ पे बढ़ा लेना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लियरिटी को भी बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिहेंस को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा विग्नेट इफेक्ट यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा ठीक है। और उसके बाद में आप लोग इस मतलब इसमें एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग ठीक है।
अपनी फोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जाना है आप लोग को इस आइकॉन में, यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेसिंग यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे शार्पनेसिंग हमारी ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रही है, कुछ इस टाइप से थी हमारी यहाँ पे पिक्सआर्ट में। और हम लोगों ने यहाँ पे लाइटरूम में कुछ ऐसा कर लिया, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी यहाँ पे फोटो लग रही है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड के बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे शेयर में क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेव टू ड्राइव में क्लिक करके, और यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो रही है। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।